आज के इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू बिकम एन एंड्रॉइड ऐप डेवलपर कंप्लीट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ बताऊंगा कि आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलपर बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, बेसिकली कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने होते हैं, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको हाथ पकड़ करके एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ। आपको यदि बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो के लास्ट में जैसे ही पहुंच जाएंगे तो आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ, इस वीडियो से मैं कुछ जरूर सीख कर गया हूँ और मैं ऐप डेवलप कर सकता हूँ। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है हाउ टू बिकम एन एंड्रॉइड ऐप डेवलपर। तो उस कॉमन क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको पूरा मिलने वाला है, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उस पॉइंट्स को मैं एज ए समरी यहाँ पर रख लिया हूँ। नंबर वन स्टेप आपका होगा गैदर द टूल्स, यानी जितने भी चीजें जरूरत है आप सभी चीजों को सबसे पहले इकट्ठा कर लीजिए। यहां मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी जब आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे। तो सेकेंड, लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने पड़ेंगे और कैसे सीखने, क्या तरीका है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अंडरस्टैंड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल को एकदम अच्छे से आपको समझना होगा। लर्न द एंड्रॉयड एपीआई, एपीआई क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, इसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ आपको अच्छा से समझना होगा। फिफ्थ स्टेप, राइट योर फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। वो सब मैटर नहीं करता कि आप कितना सीखे हैं, मैटर ये करता है कि आप जितना कुछ भी सीखे हैं उसको किस तरीका से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपने जो कुछ भी सीखा इन फोर्थ स्टेप में, आपको उसका यूज करके फिफ्थ स्टेप में अपना पहला एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देना है। जब आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट करना भी आना चाहिए, यानी आप अपना एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस बारे में भी मैंने इसी वीडियो में डिस्कस किया है। मैंने यहाँ पर स्टेप 7 में लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीटली लिखा है। यदि आप बेसिक तरीका में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। तो आप जब इन सभी चीजों को सीखेंगे तो आप बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो सीखने का जरूरत महसूस करेंगे खुद ब खुद। आपको पता चलेगा एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली सीखना ही पड़ेगा, और तो और इसके सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से बैठाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें नहीं पता हो कि एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो क्या होता है, ये कितना जरूरत का चीज है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने करीब 1 घंटे का वीडियो एंड्रॉइड स्टूडियो को लेकर बनाया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक कीजिए। हमारे वीडियोस करीब 1 घंटे के आपको दिख जाएंगे। वहां पर आप कंप्लीट एंड्रॉइड स्टूडियो जीरो कॉस्ट में सीख सकते हैं। बस आपको एक ही चीज देना है, वो है अपना कीमती 1 आवर। यदि आप 1 घंटा दे देते हैं, देकर सीख लेते हैं, तो मैं गारंटीड आपसे कह सकता हूं कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो कंप्लीटली, यदि आप एंड्रॉइड स्टूडियो सीख लेते अपने 1 घंटा देकर, तो मैं आपको गारंटीड दे सकता हूं कि आपको एंड्रॉइड स्टूडियो से बढ़िया एंड्रॉइड स्टूडियो का कोर्स मेरे वीडियो से बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां मैंने पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक टॉपिक कवर किया है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो जरूर सीखें हमारे उस वीडियो को देखकर। 8th स्टेप है लर्न टू डिजाइन यूआई। यदि आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको उसका इंटरफेस बनाना आना चाहिए। यदि आप, अब मैं आता हूं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक को इलेबोरेट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक गुड न्यूज बताऊं कि स्टेप 1 में जो मैंने आपको गैदर द टूल्स बताया, वो ज्यादातर टूल्स नहीं, ऑलमोस्ट सारे टूल्स फ्री हैं। और तो और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक भी एप्लीकेशन यूज करने के लिए ना ही आपको सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत है और ना ही किसी भी चीजों को परचेज करने की जरूरत है।
तो ये आपके एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखने का एक्सक्यूज को जीरो कर देता है। और आपको सीखना यदि है तो आप सब कुछ एट द रेट ऑफ जीरो आप सभी चीजें सीख सकते हैं। तो यहां सबसे पहला टूल्स तो मैं आपको बताऊं वो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जावा एसई फ्रॉम द ऑरिकल वेबसाइट। जब आप ऑरिकल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको जावा का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है, क्योंकि यदि आप एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आपको जावा लैंग्वेज आनी चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो मैं यहीं पर आपको बता दूं, जावा सीखने के लिए आपको जावा एसई ऑरिकल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जहां पर आप बेसिकली अपने कोड को लिख सके, आपको अपना एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, जहां आप बेसिकली कोडिंग कर सके और अपने एप्स डेवलप कर सके। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ग्रैब द एंड्रॉइड एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट फ्रॉम द एंड्रॉइड डेवलपर साइट। आपको एंड्रॉइड डेवलपर साइट में जाना है और एसडीके यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट आपको बेसिकली डाउनलोड या इंस्टॉल कर लेना है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके जितने भी एप्लीकेशंस है उसको बनाने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सब आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। आप वहां पर इसको अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पर। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एसडीके में बेसिकली आपको एंड्रॉइड कोड लाइब्रेरीज, एंड्रॉइड एम्यूलेटर और कुछ यूजफुल कमांड लाइन टूल्स मिलेंगे, जो कि आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एंड्रॉइड एम्यूलेटर क्या होता है, बेसिकली जब आप एप्लीकेशंस बनाते हैं आपको सब समझ में आ जाएगा यदि आप हमारे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से जुड़े एक घंटा का वीडियो को देख लेते हैं। बेसिकली एम्यूलेटर मैं आपको बताऊं तो एक इंटरफेस होता है विंडोज के ऊपर, जहां बेसिकली आप अपने फोन को देख सकते हैं और फोन में जो ऐप क्रिएट आप कर रहे हैं वो कैसा दिखेगा आप एम्यूलेटर का यूज करके देख सकते समझ सकते हैं। यदि आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होता है, कुछ भी नहीं आ रहा समझ में, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑफ एंड्रॉइड स्टूडियो विच इज अबाउट 1.5 आवर्स लेंथ। तो आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है एक्लिप्स। एक्लिप्स आपको इंस्टॉल करना होगा। बेसिकली ये है क्या, एक पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है। अब मैं एक्लिप्स से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये आपको एक रेंज ऑफ फीचर मोबाइल डेवलपर्स को बेसिकली वो प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है। यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड बेस्ट एंड्रॉइड एसडीके मिलेंगे और जो कि कंप्लीटली फ्री होंगे। ये मोबाइल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि एंड्रॉइड डेवलपर्स काफी ज्यादा चॉइस करते हैं। तो मैं आपको बेसिकली यही कहूंगा कि आप एक्लिप्स यूज कीजिए। अगला है एडीटी, एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स। यदि आप एडीटी एक्लिप्स का यूज करके यूज करते हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में, तो बेसिकली ये क्या करता है, आपका एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट काफी ज्यादा इजियर बना देता है, क्योंकि यहाँ यूजर इंटरफेस डिजाइन करना, उसको एडिट करना, एंड्रॉइड स्पेसिफिक डिबग करना चीजों को, ये काफी ज्यादा आसान हो जाती है यदि आप एडीटी यानी एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल्स के मदद से एक्लिप्स को यूज करते हैं। तो स्टेप टू, लर्न द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। बेसिकली आपने टाइटल में पढ़ा है ये वीडियो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट के लिए है, तो जाहिर बात है आपको जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी। आप कैसे सीख सकते हैं, आपको बेसिकली इंटरनेट पर ढेरों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो कि किसी भी सो कॉल्ड कंपनीज, एडटेक कंपनीज, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो कि कोडिंग सिखाने का दावा करते हैं, उससे काफी ज्यादा अच्छे क्रिएटर्स जावा के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल्स अपलोड किए हुए हैं। जैसे अमन धत्रवाल सर की वीडियो, श्रद्धा दीदी ने पूरे अच्छे तरीके से जावा को सिखाने का कष्ट उठाया है, आप वो पूरे वीडियोस को देख सकते हैं। और तो और हमारे कोड विथ हैरी भैया, वो तो पूरे के पूरे चीजों को अपने वीडियो में सब कुछ वो सिखा चुके हैं। यदि आप
एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू टू वॉच एंटायर जावा प्लेलिस्ट वीडियो अपलोडेड बाई कोड विथ हैरी यूट्यूब चैनल। मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज उस जावा को, उस जावा के पूरे प्लेलिस्ट को जरूर देखिए। आई विल पुट द लिंक ऑफ हिज प्लेलिस्ट इन माई डिस्क्रिप्शन। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर देखिए, उन सारे वीडियोज को जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजों को सीखने के बाद, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोग चीजें सीखते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सीख लेते चीजों को, लेकिन वो चीजें प्रैक्टिस में नहीं रहने के कारण हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप दिन में कम से कम 25% ही चीजों को सीखिए, लेकिन उस 25% चीजों का 60% प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, काफी अच्छा रूल आपको ये लगेगा यदि आप इस चीज को फॉलो करते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करें, आप हाफ चैप्टर ही कंप्लीट करें, लेकिन उस हाफ चैप्टर का 60% आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना मजबूत हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेवलप द हैबिट टू लर्न। आज के जमाने में लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं, गलती हमारी भी नहीं है। इंटरनेट ही एक ऐसा जमाना हो गया है जहां लोग काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं एनी टाइम। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपने अंदर चीजों को सीखने का हैबिट डेवलप करें। आप जितना ज्यादा अपने हैबिट बनाएंगे सीखने का, आप चीजों को जानने के लिए, चीजों को सीखने के लिए और ज्यादा कीन होंगे और ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो मैं आपको रेकमेंड यही करता हूं कि आप अपने हैबिट डेवलप कीजिए चीजों को सीखने का। ये आपको बार बार माइंडसेट डेवलप करना है, यदि मैं ये चीजें सीख लूं तो मेरी वैल्यू क्या होगी, यदि मैं ये चीजें सीख लूं तो आज से नेक्स्ट 5 ईयर में मेरा वैल्यू क्या होगा, कितने लोग मुझे अप्रिसिएट करेंगे, मुझे कितनी अच्छी जॉब्स मिल जाएगी, या मैं अपना खुद का कितना बढ़िया चीजें कर लूंगा। आपको हमेशा इस समय से जो आप अभी समय जी रहे हैं उससे आने वाले 5 साल तक का एक्सपेक्ट करना है और चीजों को सीखना है। थर्ड, अंडरस्टैंड द एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल सीखना होगा। बेसिकली एंड्रॉयड एप्लीकेशन लाइफ साइकिल में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं जो कि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप जरूर सीखिए। मैं आप सभी स्टेजेस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बेसिकली मैं यह स्टेजेस लिख दिया हूं। 6 स्टेजेस रहते हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय। बेसिकली ये 6 लाइफ साइकल्स स्टेजेस होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इन 6 स्टेजेस को समझिए। बेसिकली ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने का बैकबोन होता है, तो आप इन स्टेप्स को समझिए, मैं आपको यही रेकमेंड करता हूं। 4th स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है, लर्न द एंड्रॉयड एपीआई। आपको एंड्रॉयड एपीआई एकदम कंप्लीट समझना होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आखिर ये होता क्या। आई विल एब्सोल्युटली ट्राई टू रिप्लाई यू। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप एंड्रॉयड एपीआई सीखिए। एपीआई क्या होता है देखिए, ध्यान समझिए, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी होता है जो आपके सर्वर को आपके यूजर से इंटरेक्शन करने में मदद करता है। ये आपको पता नहीं चलने देता है कि जो आप मोबाइल चला रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन चला रहे हैं, उसके पीछे कितना ही मुश्किल कॉम्प्लेक्स आपका सर्वर उसके पीछे बैक एंड में वर्क कर रहा है। ये आपको बिल्कुल भी फील कराने का कोशिश नहीं करता है। ये एपीआई इतना स्मूथ होता है, इतना इजी होता है कि उसको कोई चाइल्ड भी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके पीछे बैक एंड में जो सर्वर होती है वो कितनी कॉम्प्लेक्स है, उसको बचाने का काम बेसिकली एपीआई करता है। आप जो कर रहे हैं वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन सर्वर के पास भी नहीं जाता है, और सर्वर जो कर रहा है उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं जाता है। तो इस तरीका से एपीआई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर इंटरमीडिएटरी के जैसा काम करता है। मैं आपको बताऊं, एपीआई काफी वैल्यूएबल चीजें बन गई है। मॉडर्न एपीआई काफी और डेवलप्ड हो रही है, चीजों को और आसान बनाने के लिए जुड़ रही है। तो आपको एपीआई एज वेल एज मॉडर्न एपीआई सभी चीजों, सभी कॉन्सेप्ट्स को बेटर करना होगा।
फिफ्थ स्टेप, राइट योर फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आपको अपने एप्लीकेशन अब बनाना शुरू कर देना है। आपने जो सीखा वो मेरे नजर में काफी है। फोर्थ स्टेप में आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ट्राई करना है। मैं यदि मानकर चलूं तो आप ये सभी चीजें 1 to 2 months में आप सीख लेंगे फोर्थ स्टेप को, जो कि काफी है मेरे अनुसार। अब आपको वही फोर्थ स्टेप्स का यूज करके अपना प्रोजेक्ट में लग जाना है। बेसिकली क्या करना है आपको, क्लोन्स डेवलप करना है। क्लोन्स किसका किसका डेवलप करना है, पॉपुलर वेबसाइट्स के या एप्लीकेशंस के क्लोन्स डेवलप करना है। बेसिकली आपको ये करना है। यदि आप नहीं भी करना चाहते हो, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो अपना छोटा मोटा इंटरफेस बनाना शुरू कर दीजिए, छोटा मोटा UI डिजाइन करना शुरू कर दीजिए, आप तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दीजिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो आप जो कुछ भी सीखे हैं, कैलकुलेशन, स्विच स्टेटमेंट, कुछ भी, आप उन सभी चीजों का यूज करके कैलकुलेटर, कैलेंडर, छोटे मोटे एप्लीकेशंस बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेटर हो। यहां सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आई रिपीट अगेन, सीखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितना कुछ सीखे हैं उसका प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। आप सीखिए कम, प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। मेरा ऐसा मानना है 20% नॉलेज और स्टडी, 25% आपको बेसिकली 20-25% रिक्वायर्ड होती है। आप 100% चीजें नहीं सीख सकते हैं, ये भी एक बेटर स्रोत है। यदि मैं आपको बताऊं जावा आप सीखिए, तो आप जावा सीखिए सिर्फ 25%। मैं आपको बिल्कुल भी कभी रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप 100% सीखिए। मैं रेकमेंड भी करूंगा तो आप सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि जावा इज वेरी वास्ट लैंग्वेज। आप HTML ही नहीं सीख सकते 100%, तो आप जावा की तो बात ही छोड़िए। तो मैं आपको 25% बस रेकमेंड करूंगा, सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए, स्टडी कीजिए, लेकिन उस 25% का 60% प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहां 100% में नहीं बोल रहा हूं, टोटल ये 100% नहीं है। आपने जो 25% चीजों को सीखा है उसका 60% प्रैक्टिस कीजिए, मैं ये कह रहा हूं। और जो आपने 60% और 25% जो चीजें सीखी है उसका यूज करके 90% प्रोजेक्ट बनाइए। 90% पूरा अपना एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट आप प्रोजेक्ट पर लगा दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फलाना चीजें सीखनी है, तो वापस आप जो ये चीजों को सीखिए, ऐसे ही करना है, ताकि आपको बेसिकली पता चले कि जो मैं सीख रहा हूं वो कोई बेकार चीज नहीं है, वो मेरे प्रोजेक्ट बनाने में काफी मदद करने वाला है। तो आप जब अगला टाइम जब आप प्रोजेक्ट में उस चीजों को फील करेंगे, तो आप अगला टाइम जब आप सीखने जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें कितनी जरूरी है, और आपका एंथुसिएज्म, एक्साइटमेंट चीजों को सीखने का काफी ज्यादा बढ़ जाए। सिक्स्थ स्टेप, डिस्ट्रीब्यूट योर एंड्रॉइड ऐप। आपने जो एप्लीकेशन बनाया है उसको वेबसाइट बनाने की कोशिश कीजिए, उसका एक वेबसाइट बनाइए, ताकि आपका एप्लीकेशन बेसिकली पॉपुलर हो, लोगों के बीच में आए, ताकि आपको रिवॉर्ड मिले। रिवॉर्ड मिलेगा, देखिए हमारा माइंडसेट कैसा है। हमारा माइंडसेट कुछ इस तरीके से प्रोग्रामड है कि मैंने आज जो सीखा उसका तुरंत मुझे अगला ही दिन रिवॉर्ड चाहिए। हमारा माइंड ऐसा है। यदि आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपके माइंड को डोपामिन नहीं मिल रहा है, तो आपका माइंड उस काम को नहीं करेगा। तो आप जब वेबसाइट्स बनाएंगे, उस वेबसाइट्स को मोनेटाइज करेंगे, अपने एप्लीकेशंस को मोनेटाइज करेंगे, तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। रिवॉर्ड मिलेंगे तो आप चीजों को और इंथुसियास्टिक तरीके से सीखेंगे, एक्साइटेड तरीके से सीखेंगे। अपने एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पर अपलोड कीजिए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बनाइए। जरूरी नहीं कि आप जो एप्लीकेशन बनाए वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के टर्म्स एंड कंडीशन से मैच करें। आप ऐसे भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट, आपका माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो आपके एप्लीकेशन से, ऐसा एप्लीकेशन बनाइए। और थर्ड पार्टी ऐप भी वो हो सकती है। बेसिकली आप चीजों को मोनेटाइज भी करते रहिए। लर्न एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो सीखना है। क्या क्या टॉपिक सीखना है आप यहाँ देख सकते हैं। फाइल स्ट्रक्चर ओवरव्यू सीखना है। फाइल स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट .xml फाइल सीखना है। जावा ड्राइबल लेआउट, मेप मैप, ये सब कुछ आपको सीखना है। कलर्स, स्ट्रिंग्स, स्टाइल्स, बिल्ड ग्रैडल, सब कुछ आपको सीखना है। ओवरव्यू में आपको नए नए प्रोजेक्ट बनाना है, रीओपन, क्लोज, सेव, ये सब चीजें आपको सीखनी है प्रोजेक्ट से जुड़ा। आपको ड्राइबल रिसोर्सेज और अपने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के एम्यूलेटर को रियल डिवाइस में रन करना, ये सभी कुछ आना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में जरूर आना चाहिए। और 8th स्टेप में आपको सीखना है अपने UI को डिजाइन करना।
आपको सबसे पहले सिंपल यूआई डिजाइन करना है, फिर कॉम्प्लेक्स यूआई डिजाइन करना है। यूआई मतलब बेसिकली आपको इंटरफेस डिजाइन करना आना चाहिए। ये एक अपना अलग कोर्स है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन यदि आप सीखने जा रहे हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूँ आप जरूर सीख जाएंगे यहाँ, क्योंकि चीजों को हर एक स्टेप आपको खुद ब खुद सीखना होगा। वैसे सिंपल यूआई डिजाइन, यूआई वगैरह एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यदि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो ये भी आपको सीखना ही पड़ेगा। यदि आप इसमें से कोई भी चीजें मुझसे सीखना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल के थ्रू सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल पर जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपको सीखते रहना होगा, क्योंकि यदि आप सीख रहे हैं तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, यदि आप सीख नहीं रहे हैं तो आपके पास कोई आइडियाज नहीं है। तो आप सीखते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। यदि आप GSOC के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी गूगल हाल ही में GSOC के लिए डेट निकालेगा, जिसमें लोग काफी ज्यादा पैनिक कर जाते हैं कि अचानक तैयारी कैसे किया जाए GSOC के बारे में। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। यदि ऐसा है तो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स ऑन दिस चैनल दैट विल बी फीचर्ड सून। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज पॉसिबल एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।